जी क्लॉक टावर अभी उसके साथ जाके मैं आपको कुछ डिटेल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तवक्कल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी ऑफ सियालकोट के नाम से जो सीरीज शुरू की थी उसमें आज मैं आपको घंटाघर क्लॉक टावर सियालकोट का क्लॉक टावर दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान में 7 क्लॉक टावर हैं, घंटेघर हैं, जिनमें से सबसे फेमस जो है, जो मशहूर है, वो फैसलाबाद का है। ऑन सेकेंड नंबर पे सियालकोट का है कंटोनमेंट में। तो मैं आपको उधर लेके जाता हूँ और उसकी विज़िट करवाता हूँ और उसका बताता हूँ कि ये बना कब था, इसके इर्द गिर्द कौन कौन सी शॉप्स हैं, रोड कितने लगते हैं उसको। 25 दिसंबर कायदे आज़म के हवाले से स्टीमर लगे हुए हैं कायदे आज़म। आपने क्या सोचा था और यहाँ पे क्या निकला? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इत्तेहाद, बिलीफ और नज्म, जो तीनों हमें से नहीं है। हम परवान ही नहीं चढ़ा सके इन चीजों को। ना हमारे अंदर यूनिटी आई, ना फेथ आया और ना ही डिसिप्लिन आया। ये सदर बाजार रोड है जी मेन, यही हमारा छोटा सा जो है ना, आप गुजरे जी, आप गुजरे हैं। ले जी, मैं पहुंच गया हूँ घंटाघर क्लॉक टावर सियालकोट का। अभी आपको दिखाते हैं, बिल्कुल मेरे पीछे है। ये आप देख सकते हैं, शेयर करता हूं। ये क्लॉक टावर पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे जो है वो उसका नाम है फैसलाबाद वाला क्लॉक टावर। ये पहले जंगला नहीं होता था, हम जब कॉलेज जाते थे, मैं चूंकि ये फेडरल कॉलेज में पढ़ता था तो यही हमारा रूट था जिस पे मैं कॉलेज जाता रहा हूँ। तो उस वक्त ये जंगला नहीं था इधर। अभी ये अच्छा, अभी ये है कि ये बना था 1922 में और इसको बनाने वाले का नाम था सेठ राय बहादुर रामजी दास और शेख सुलेमान शेख गुलाम कादिर। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये बैक साइड पे ये वाली जो रोड है ये शहर को जा रही है सियालकोट सिटी की तरफ, सदर बाज़ार है ये। और ये बिल्कुल हमारे सामने जो वो जो यहाँ पे टी बन रही है, होर्डिंग बोर्ड नज़र आ रहे हैं, उसके आगे कैंट है। ये एक पुरानी इमारत आपको नज़र आ रही है, ये बिशंबर दास एंड सन्स। इसका मतलब कि ये जब बना था 1922 को, तो ये बिल्डिंग भी चूँकि पुरानी इमारत नज़र आ रही है, तो यहाँ से ये जो पाकिस्तान में या दूसरे शहरों में तजावीज़ात हैं कि रोडों को अंदर कवर कर लिया और दीवारें आगे आ गई। इसका मतलब है कि ये जिस जब इसकी प्रोडक्शन ये बिल्ड इसको बनाया गया था तो जितना ये चौंक था तो बिल्कुल उतना ही है। ये आप मार्केट इसके इर्द गिर्द देख सकते हैं, ये बिल्कुल सामने एक पुरानी मस्जिद है, वो भी काफ़ी पुरानी, उसके बिल्कुल साथ है गवर्नमेंट का स्कूल। ये बिशंबर दास एंड सन्स की इमारत बिल्कुल वैसे सेम एज इट इज़। ये साथ यहाँ पे ये भी एक बिल्डिंग थी पुरानी जिसको इन्होंने तोड़ के अभी दोबारा यहाँ पे बिल्ड कुछ नहीं किया गया। ये कायदे आज़म के फरमान, दुनिया में दो कुव्वतें हैं, एक तलवार और दूसरा कल्ब। ये रेस्टोरेंट्स, खाना पीना यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी फूड स्ट्रीट आप कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लोग आके गाड़ी, बुक स्टॉल, ये बहुत पुराना बुक स्टॉल है। मेरी लाइब्रेरी में जो आप कह सकते हो 60% जो बुक्स हैं वो ये मैंने इसी स्टॉल से खरीदी हैं, बहुत पुराने हैं ये। ये कमोबेश अर्सा 20 साल से ये इधर ही इन्होंने बुक स्टॉल लगाए हुए हैं। ये कायदे आज़म का एक स्लोगन लगा हुआ है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट, मोहम्मद अली जरा। अभी पता नहीं ये मोहम्मद अली साहब का है या इन्होंने वैसे इसे मंसूब कर दिया। यस, ये ऊपर एक लगा हुआ है फाउंडेशन स्टोन लेड बाय जनरल सर डब्ल्यू आर पेडवुड बार्ट, जनवरी 7 जनवरी 1922। ये आप देख सकते हैं, ये क्लॉक टावर ला
सियालकोट का कलाकतावर जी घंटाघर।